कनाडा और भारत के बीच में बिगड़ते संबंधों को लेकर पंजाब में चिंताएं बढ़ चुकी है। ऐसे में श्री हिंदू तख्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय स्टूडेंट की सुरक्षा की अपील की है। श्री हिंदू तख्त ने कोर कमेटी ने मीटिंग बुलाई, बैठक में अधिवक्ता विजय भारद्वाज को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कनाडा में रह रहे छात्रों के लिए मौजूदा हालात को देखते हुए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रवीण जी ने मेरे को यहाँ पे पंजाब के अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी और हमने यहाँ पे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसलिए बुलाई कि जो संबंध कनाडा और भारत के बिगड़ गए हैं और वहाँ पे जो इंटरनेशनल एक आतंकवादी पन्नू जो हिंदुओं को कनाडा में, उसके लिए हमने एक हिंदू हेल्पलाइन जारी की है कि किसी भी हिंदू बच्चे को डरने की जरूरत नहीं है, किसी हिंदू परिवार के पंजाब से जो हिंदू बच्चे पढ़ने के लिए उनके पेरेंट्स को डरने की जरूरत नहीं है, उनके लिए हमने एक बहुत बढ़िया अपना वकीलों का पैनल खड़ा किया, पूरा संगठन के साथ खड़ा वकीलों का पैनल खड़ा किया हुआ है। जिस प्रकार की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, अगर वहां पे कोई उनको तंग करता है, वहां पे कनाडा में तंग करता है, तो हमारे पास वहां पे बहुत अच्छा संबंध है, हम अपने वकीलों को वहां पे भी खड़ा करेंगे, किसी को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो हम किसी